दोस्तों टोटल फिल्मी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका पवन भारद्वाज। आज हम बात करेंगे फिल्म सुखी के बारे में। फिल्म सुखी में शिल्पा शेट्टी के साथ नजर आएंगे कुसा कपिला, दिलनाज ईरानी, पवलिन गुजराल, चैतन्य चौधरी और अमित शाह। यह फिल्म 22 सितंबर को सभी सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। इसे प्रोड्यूस किया है भूषण कुमार और कृष्ण कुमार ने, जो टी सीरीज की काफ़ी बड़ी कंपनी है। फिल्म की डायरेक्शन की अगर बात करें तो सोनल जोशी ने इसे पहली बार डायरेक्शन किया है इस फिल्म में। शिल्पा शेट्टी की फिल्म सुखी का गाना नशा रिलीज हो चुका है। यह गाना एक पार्टी एंथम सॉन्ग है और एंथम बनने के लिए पूरी तरह तैयार है। नशा को बादशाह और हितेन ने मिलकर कंपोज किया है। इस आकर्षक गीत के बोल राजा दिलवाला ने लिखे हैं, वहीं बादशाह चक्षु कोटवाल और अफसाना खान ने इसे अपनी आवाज़ दी है। गाने में शिल्पा शेट्टी के साथ उसके दो कोस्टार कुसा कपिला और दिलनाज ईरानी भी नजर आएंगे। यह गाना शिल्पा के माँ के किरदार की भावना को बेखूबी दर्शाता है, जो रूटीन लाइफ से ब्रेक लेकर एंजॉय करना चाहती है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। शिल्पा वाज द ग्लू दैट बॉन्डेड दिस फ्रेंडशिप टुगेदर, बिकॉज़ इवन व्हेन सोनल यूज्ड टू से कट, तब भी हम लोग चकर 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 कर बात करते रहते थे। तो सोनल हैड टू लिटरली सेंड एन एडी कि उनको चुप करवाओ, सीन कट हो चुका है। सो दैट वाज द काइंड ऑफ फ्रेंडशिप दैट वी हैड डेवलप्ड ऑन सेट दैट वी कुड नॉट हियर कट। हम लोग ऐसा और ऐसे रायते की तरह फैल जाते थे और सोनल के दिमाग का दही कर दिया था हम लोगों ने। नो एंड समटाइम्स कुशा वुड बी लाइक, अरे ये लाइन ऐड कर दूं, ये लाइन। सो देयर वाज अ पॉइंट वेयर सोनल जस्ट stopped resisting. She just gave in and she said, "Haan, Kusha, tum bolte raho." edit mein nikal. Usne bola nahi ye. देखो मैं देखो नए आर्टिस्ट हैं हम, मैंने कहा 50 इम्प्रूव करेंगे, एक तो रखेगी, इसने दो रख लिए. So it actually made sense for me, right? Hi, Shilpa. This Raj from Sansadwani. Yeah, it is. अगर रियल लाइफ में आपको मौका मिले सब कुछ छोड़ ब्रेक लेने के लिए, तो क्या रहेगा आपका रिएक्शन फिल्मी दुनिया से अगर ब्रेक लेने का मौका मिले और पुराने दोस्तों से मिलने का? यू नो मेरी बेस्ट फ्रेंड आकांक्षा ने मुझसे पूछा अभी हाल ही में, जब उसने ट्रेलर देखा तो शी सेड, ये रियूनियन बड़ा अच्छा प्लान है यार, एक थोड़ा सा करते हैं, क्यों आप यकीन नहीं मानोगे, ये फिल्म में ये किरदार तो मैंने प्ले कर दिया है, बट मैंने अभी तक I've never gone on a girl's trip. I've never taken a holiday with my girlfriends. I've never done that. So actually, इस फिल्म ने ये सीट डाल दी है मेरे मन में, and I've really want to do this. तो मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मुझसे पूछा एक गर्ल्स ट्रिप करते हैं, तो मैंने बोला एक मिनट में ज़रा डायरी देख लेती हूँ, तो मैंने उसको अगले साल का डेट दिया है। तो या आई मीन मैं चाहती तो हूँ, लेकिन बैलेंस करना पड़ता है क्योंकि ये वक्त वापस नहीं आएगा, तो ये मेरी चॉइस है। जिस दिन मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे अब ये नहीं करना और मुझे बस थोड़ा सा ब्रेक लेना है, तो शायद मैं वो भी कर लूँ, लेकिन अब वो टाइम नहीं आया है। मुझे लगता है अभी सुखी होने का टाइम आया है मेरे लिए। सो आई एम एंजॉइंग दिस। जब तक आप इन्जॉय करो ना, ऐसे मतलब मन को मार के कुछ नहीं करना चाहिए। तो मैं जो भी करती हूँ मैं पूरे मन से करती हूँ और आई एम गिविंग इट माई 100%। तो हाँ, मैं थक जाती हूँ, लेकिन इट्स वर्थ इट। जब मैं आपके रिएक्शंस को देखती हूँ, जब मैं मुझे इतना प्यार मिलता है, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, जो मैं एफर्ट डालती हूँ ये वर्थ है। हेलो हियर ऑन योर लेफ्ट हैंड साइड, या हियर। शिल्पा हियर फ्रॉम मायापुरी मैगजीन। मेरा सवाल विक्रम जी आपसे है, जिस तरह से आपने ये फिल्में बनाई है इन सिनेमाज में, काफ़ी वुमेन ओरिएंटेड, वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर फिल्में रही हैं, छोरी हो या फिर जलसा हो, अभी सुखी भी है, तो फिर क्या कुछ खास वजह रही है? काफ़ी जो मोस्टली फिल्में आपने बनाई है वो वुमेन ओरिएंटेड रही है, एम्पावरमेंट को लेकर रही है, उसको लेकर जानना चाहेंगे। एंड लास्टली, जिस तरह से उन्होंने कहा शिल्पा जी ने कि 8 महीने आपने वेट किया उनका, तो ऐसा क्या खास वजह थी कि उनके लिए आप रुके कि ये किरदार उनको ही प्ले करना चाहिए? पहले वो नहीं बोला। टू योर सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट, देयर कुड बी नो अदर सुखी। Sonal and I were very clear when we were writing this, when the first draft came together,
दिस वॉज दी ओनली एक्टर दैट वी हैड इन माइंड. हमने कभी इस स्क्रिप्ट में, सोनल ने कभी अपने विजन में, और मैं उनकी तरफ से बोल रहा हूँ, हमने कोई दूसरी सुखी कभी नहीं देखी. ये 8 महीने से ज़्यादा भी हमें वेट कराती तो हम कर लेते, लेकिन हम ये फिल्म शिल्पा के साथ ही बनाते. Listen to this, all filmmakers. Mike. Please इस बात पे जरा गौर करें, जितने भी फिल्म वाले देख रहे हैं इस इंटरव्यू को. अच्छा, very good. हाँ, we are very fortunate that these films choose us. At Abundantia Entertainment, हमारी कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है कि हम women oriented films बनाएंगे, but एक सेंसिबिलिटी है, एक DNA है कि स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स दैट आर विमेन, विमेन क्रिएटर्स. एक इतनी कमाल की स्टेटिस्टिक थी कि 2022 में 23 में 6 ऑफ आर डायरेक्टर्स एट द सेम टाइम वर विमेन, एंड आई एम प्राउडेस्ट ऑफ दैट फैक्ट. और जहाँ तक बात रही जो आपने कुछ कमाल की फिल्में गिनाई, इनमें शकुंतला देवी भी थी जो 2020 में रिलीज़ हुई थी, बाकी आपने कुछ नाम लिए, शेरनी थी. इतने कमाल के कैरेक्टर्स हैं, इतनी कमाल की कहानियाँ हैं. विमेन मेक आर वर्ल्ड गो राउंड. व्हाई कैन वी नॉट फाइंड दीज कैरेक्टर्स एंड टेल दीज स्टोरीज? हाउ कैन वी नॉट टेल दीज स्टोरीज? सो वी आर प्रिविलेज्ड एंड फॉर्चुनेट दैट वी गेट एन अपॉर्चुनिटी टू टेल दीज स्टोरीज, एंड यू कैन एक्सपेक्ट अ लॉट मोर फ्रॉम अस इन द फ्यूचर एज वेल. Hello, hi, Amar this side, Usha. Today is a big day for you purely as an actor. From baby steps in acting to now 2 trailer launches of your film, you have come a long way, and now suddenly people are saying that Kusha is everywhere. But being someone who has seen your journey right from the days where you used to make videos for IDY and do skits with actors while they were promoting their films, now you are there. On that side, so what do you have to say about this, your journey, and did you always manifest to be an actor? I think being an actor from where I come from is an audacious dream to have. ऐसे मतलब मैं जहाँ से आई हूँ वहाँ पे सोचना कि हम एक्टर बनेंगे ऐसा नहीं होता था. हमारा वही ड्रीम था कि कुछ करेंगे, पढ़ेंगे, जॉब करेंगे, बिकॉज इट्स अ रिडिकुलस ड्रीम टू हैव. तो कभी ऐसे मैनिफेस्ट तो कभी किया ही नहीं था, पर हाँ मतलब हमेशा स्कूल में परफॉर्म किया था या एक्टिंग की थी थोड़ी बहुत. कॉलेज में करा हुआ है हमने एक्चुअली, दोनों ने नुक्कड़ नाटक सोनल और मैंने, पर मैंने वो एक ही साल किया था. हाँ, हमने साथ में नुक्कड़ नाटक किया हुआ है. और खुद जरा कर देना जो ये खुद आपने किया था. मैं जरूर कहूंगी सोनल को कि वो मेरे साथ ज्वाइन करें और करें. हाँ, सोनल ले लेना माइक. हाँ जरा दोनों वो पीस करो प्लीज. जो हमारी डायरेक्टर है वो खुद एक अदाकार है. अरे कमाल एक्टर है, खुद सीन करके दिखाती हैं ये और बहुत अच्छा करती हैं. और मैं जरूर कहूंगी आज अपनी डायरेक्टर से कि हमें यही स्माइल नुक्कड़ नाटक के पहले 4 साथ में करते हैं. करो हाँ एक. I can't believe I'm doing this one. तो हमने एक्चुअली विस्थापन पे नुक्कड़ नाटक किया था उस समय, विच इज डिस्प्लेसमेंट 2007 में. तो इट वॉज बोले 2, 3, 4 आँख से देखो कान लगाओ, मन मंदिर के दीप जलाओ, एक कहानी हम है लाए सुखी, बतलाने तुमको है आए. आगे बस इतना ठीक है. I think अभी के लिए इतना.